हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक इटालियन ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि एक रोमांटिक मूवी है और इस मूवी का नाम है द लास्ट पैराडिसो। कहानी की शुरुआत में हम लोग सीसीओ को देखते हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है और वो खेतों में उसके साथ एंजॉय कर रहा होता है। सीसीओ की गर्लफ्रेंड का नाम बियांका है। वहीं पर बियांका की बहन मारिया भी होती है। इसके बाद हम लोग बियांका के फादर को देखते हैं, जिसका नाम काम्पा है। अगले दिन जब वो अपने खेतों पर जाते हैं, तब उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है, जो कि उन्हीं के खेतों में काम करती थी। काम्पा उससे बातें करता है और उसे अंदर जाकर आराम करने के लिए कहता है। इधर हम लोग सीसीओ को देखते हैं, जो कि शादीशुदा होने के बावजूद अपनी एक और गर्लफ्रेंड से मिलता है। उसकी गर्लफ्रेंड सीसीओ से काफी नाराज है और वो कहती है वो उसे नहीं बल्कि अब बियांका को ज्यादा वैल्यू देता है। लेकिन उसी वक्त सीसीओ का बेटा रॉकी वहाँ आ जाता है। इसके बाद सीसीओ अपने बेटे को लाई हुई बकरी का देखभाल करने के लिए बोलता है। सीसीओ रात भर घर नहीं आया था, इसलिए जब वो अपने माँ के पास जाता है तो उसकी माँ उससे नाराज होती है। सीसीओ अपनी माँ से कहता है वो इस शहर को छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन उसकी माँ को यहाँ रहना पसंद है और वो कहती है वो इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। यहीं पर सीसीओ अपने बड़े भाई एंटोनियो के बारे में पूछता है और वो कहता है इस महीने एंटोनियो ने हमें चिट्ठी नहीं लिखी है। वहीं दूसरी ओर हम लोग कम्पा और उस लड़की को देखते हैं, जो कि कम्पा के खेतों में काम करती है। कम्पा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मारिया ये सब छुपकर देख लेती है। वहीं दूसरी ओर सारे किसान मेयर के पास पैसे लेने के लिए जाते हैं, लेकिन मेयर उन्हें काफी कम पैसे देकर भेज देता है। इसी बीच सीसीओ वहां आता है और वो सारे किसानों से ये कहता है वो उनका माल खरीदेगा और वो मेयर से ज्यादा पैसे उन्हें देगा। ये सुनकर मेयर को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद मेयर वहां से चला जाता है और वो सीधे मारिया के पिता कम्पा के पास आता है और सीसीओ की सारी हरकत उसे बताता है। सुबह जब सीसीओ अपने घर आता है, तब उसकी बीवी उससे अच्छे से बात नहीं करती है और वो उससे पूछती है तुम रात भर कहाँ थे। सीसीओ अपनी बीबी से परेशान हो जाता है और वो यहाँ से निकलकर सीधे अपनी गर्लफ्रेंड बियांका के पास पहुँचता है, जहाँ सीसीओ उसे दूसरे शहर जाने की बात कहता है। इसके बाद ये दोनों यहीं पर इंटीमेट होते हैं। रात में कम्पा सीसीओ का अपने घर बुलाता है और वो उससे पूछता है क्या वो उसकी बेटी बियांका को जानता है। तभी बियांका यहाँ आ जाती है और वो सीसीओ के बोलने से पहले ही ये कह देती है कि वो सीसीओ को नहीं जानती है। इसके बाद कम्पा सीसीओ से मेयर के साथ हुए झगड़े के बारे में पूछता है। तब सीसीओ से बोलता है वो किसी को भी किसानों का पैसा खाने नहीं देगा और वो कम्पा से ये भी कहता है अगर कोई भी उसके रास्ते में आता है तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर सीसीओ यहाँ से जाने लगता है। अगली ही रात सीसीओ बियांका से मिलने के लिए उसके घर में जाता है और वो बियांका को उसके कमरे से बाहर निकलने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों बाहर वाले रूम में जाते हैं और वहीं पर इंटीमेट होते हैं। सुबह होने पर बियांका मारिया को ये सब बताती है। तब मारिया उसे कहती है तुम पागल हो चुकी हो, इसलिए तुम ऐसा कर रही हो। दोपहर को फिर से बियांका सीसीओ से मिलने के लिए जाती है, जहां सीसीओ उससे वादा करता है कि वो अगले 3 दिनों में उसे शहर लेकर जाएगा और वो कहता है वो दोनों इस जगह को छोड़ देंगे और ये दोनों सीसीओ के भाई एंटोनियो के पास शहर चले जाएंगे। बियांका ये सुनकर बहुत खुश होती है। इधर एक आदमी जो कम्पा के लिए काम करता था, वो बियांका और सीसीओ को एक साथ देख लेता है और वो कम्पा के पास जाकर बता देता है। कम्पा ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद वो मारिया को बुलाता है और वो बियांका के बारे में उससे पूछता है। मारिया कम्पा से झूठ बोलती है और वो कहती है बियांका अपने आंट से मिलने के लिए गई है। बियांका जब अपने घर वापस आती है, तब कम्पा उसे अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है तुम्हारी आंट कैसी है। तब बियांका उसे कहती है वो बिल्कुल ठीक है। उसी वक्त कम्पा गुस्से से बियांका को गाली देता है और वो उसे बच्चलन औरत कहता है। ये सुनकर बियांका को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कपड़े उतार देती है और उससे पूछती है अब क्या हुआ, क्या आपको ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा। आप तो हमेशा अपने खेतों में काम करने वाली छोटी लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हैं, तब तो आपको वो सब गलत नहीं लगता है। उस वक्त मारिया बियांका को यहाँ से लेकर चली जाती है। 2 दिन बाद सीसीओ अपने घर छोड़ने का मन बना लेता है। इसके बाद वो हिम्मत करके बियांका के पिता के पास जाता है और वहाँ जाकर उन्हें वो एक चिट्ठी देता है, जहाँ उसने अपने काम को छोड़ने की बात कही थी। लेकिन कम्पा उसके खत को नहीं पढ़ता है और उसे अपनी उपजाऊ जमीन दिखाने लगता है। सीसीओ जब उसे देख रहा होता है, तभी अचानक कम्पा उसके सर पर मार देता है और यहीं पर कम्पा उसका मर्डर कर देता है। उसे मारने के बाद कम्पा उसका प्राइवेट पार्ट भी काट देता है और इसके बाद उसके लाश को उसके एरिया में फेंकवा देता है। जब सीसीओ की मौत के बारे में सबको पता चलता है, तब सारे लोग सदमे में आ जाते हैं। इधर बियांका भी अपने पिता से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इधर सीसीओ के भाई एंटोनियो को ये खबर मिलती है कि उसके भाई की मौत हो चुकी है। इसके बाद वो शहर से गाँव के लिए निकलता है। जब एंटोनियो अपने घर आता है, तब वो सीधा पुलिस के पास जाता है और वो पुलिस से सीसीओ के कातिल के बारे में पूछता है। पुलिस उससे कहती है अभी तक उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला है, जैसे ही उन्हें कुछ लीड मिलेगी वो सबसे पहले उसे इन्फॉर्म कर देंगे। इसके बाद एंटोनियो पुलिस स्टेशन से निकल जाता है। अगली सुबह एंटोनियो बियांका के घर जा रहा होता है, लेकिन तभी कम्पा का नौकर उसे देख लेता है
और वो घर जाकर बियांका को रस्सियों से बांध देता है। इसके बाद एंटोनियो जब कंपा के घर के दरवाजे पर होता है, तभी कंपा और उसका नौकर बाहर आते हैं। एंटोनियो कंपा से ये पूछता है, तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? कंपा उससे कहता है, वो मेरी बेटी को यहाँ से ले जाना चाहता था और इसलिए मैंने उसे मार दिया। आज के बाद तुम भी यहाँ दोबारा मत आना, वरना तुम्हारा भी हश्र वही कर दूंगा। ये कहकर कंपा अंदर चला जाता है। कंपा के घर से वापस आने के बाद एंटोनियो अपनी फैमिली से मिलता है और इसके बाद वो पेरिस के लिए निकल जाता है। रात में वो पेरिस जाने के लिए बस लेता है और वो बस में बैठकर ये सोच रहा होता है कि उसने क्या कर दिया। तभी मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम लोग देखते हैं कंपा एक अस्तबल में है और वो अपने घोड़ों को खाना खिला रहा है। उस वक्त एंटोनियो पीछे से कंपा के सर पर मारता है, जिससे कंपा की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वहां पर कंपा का नौकर आ जाता है। एंटोनियो की उससे भी फाइट होती है और एंटोनियो उसे भी मार देता है और उन दोनों के शर्ट्स को उतार कर एंटोनियो गांव के चौराहे पर फेंक देता है। ये देखकर सिसियो की बीबी बहुत खुश होती है और वो समझ जाती है कि एंटोनियो ने उन दोनों को मार दिया है। कुछ देर बाद बियांका और मारिया को भी ये पता चल जाता है कि सिसियो के घर वालों ने उसके पिता और उसके घर के नौकर को मार दिया है। अपने पिता की मौत के बाद बियांका और मारिया कहीं भी जाते थे, लोग उन्हें बुरा भला कहते थे और इन दोनों के पास अब कमाई का भी कोई साधन नहीं था, इसलिए ये दोनों चोरी करने लगती हैं। कुछ दिन बाद बियांका मेयर के पास उससे मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन मेयर मदद के बदले में कुछ और चाहता है और वो बियांका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन बियांका चम्मच से उस पर हमला करती है और वहां से किसी तरह भाग जाती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग एंटोनियो को देखते हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को एक चिट्ठी लिखता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से ये कहता है कि वो हमेशा के लिए अपने घर में वापस जा रहा है। एंटोनियो जब अपने घर में वापस आता है, तब वो बियांका से मिलने के लिए जाता है। एंटोनियो जब बियांका के घर के अंदर जाता है, तब वो बियांका की माँ की तस्वीर देखता है। उनकी फोटो को देखकर एंटोनियो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद एंटोनियो अपने पिता से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो अपने पिता से ये कहता है वो बियांका के घर गया था। बियांका के मदर की फोटो उसी औरत से मिलती है जिसकी फोटो उसने बचपन में अपने पिता के पर्स में देखी थी। एंटोनियो के फादर जब ये सुनते हैं, इसके बाद वो उसे सब कुछ सच बताने लगते हैं। वो उसे बताते हैं वो और कंपा बहुत पहले दोस्त हुआ करते थे। कंपा की शादी होने के बाद बियांका हुई, लेकिन कंपा को एक लड़का चाहिए था। जब बियांका की मदर उसे बेटा नहीं दे पाई, तब वो उसे शराब पीकर मारता था। इसके बाद बियांका की मदर अपना ज्यादा वक्त एंटोनियो के फादर के घर में बिताने लगी। एक दिन बियांका की मदर और एंटोनियो के फादर काफी करीब आ जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, जिससे उन्हें मारिया हुई और ये बात एंटोनियो की मदर को भी पता है। ये सब जानकर एंटोनियो बहुत सैड होता है और वहां से जाने लगता है। तभी उसके पिता उसे बताते हैं इतना सब कुछ होने के बाद बियांका की मदर ने खुद की जान ले ली थी। इधर बियांका को एंटोनियो के बारे में जैसे ही पता चलता है, वो भागते हुए एंटोनियो से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि एंटोनियो सिसियो का जुड़वा भाई था, इसलिए बियांका को एंटोनियो में सिसियो दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। यहीं पर एंटोनियो बियांका को शादी के लिए प्रपोज करता है। बियांका ये सुनकर बहुत खुश होती है और ये दोनों सबके सामने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।